हेलो दोस्तों, मैं गुंजन कुमार स्वागत करता हूं IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन योजना में। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, गूगल इत्यादि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसकी मदद से आज प्रत्येक बच्चा मोबाइल में तो एक्सपर्ट हो ही गया है, साथ ही साथ कंप्यूटर में भी वो एक्सपर्ट हो गए हैं। मगर समस्या उस वक्त आती है जब आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है। मेरे कहने का इशारा डायरेक्ट सर्टिफिकेट पे जा रहा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास तो भरपूर नॉलेज है, परंतु उस नॉलेज की कोई पहचान नहीं है। तो दोस्तों, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि IIST के द्वारा आपके लिए इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत आपको आपके ज्ञान का एक पहचान मिल सके, आपको एक प्रमाण पत्र मिल सके। इस योजना के तहत आपको एडमिशन लेना है, दिए गए एग्ज़ाम डेट में परीक्षा देना है, और यदि आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आपको हमारे संस्थान की तरफ से एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा जिसे आप किसी भी क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं। इतना ही नहीं, वैसे बच्चे जो एक साथ बहुत सारे कोर्स करना चाहते हैं वे भी एक साथ कर सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप ADCA करना चाह रहे हैं, साथ में C++ करना चाहें, साथ में टैली प्राइम करना चाहें, आप किसी भी तरह का कोर्स अगर साथ में भी करना चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हम एक कोर्स कर लें, उसके बाद दूसरा कोर्स करें, उसके बाद तीसरा कोर्स करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक साथ एक से अधिक जो भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। एक और बात, वैसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, लेकिन मैं अब आपको बताने वाला हूँ यदि आपके पास कंप्यूटर का कोई भी नॉलेज नहीं है, वे बच्चे भी इस योजना के अंतर्गत एडमिशन ले करके अपने उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। उनके पढ़ाई के लिए हमारे वेबसाइट में सीधी एवं सरल भाषा में कुछ स्टडी मटेरियल्स डाले गए हैं। आप उस स्टडी मटेरियल की मदद लेकर के घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल से भी अच्छे ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपके लिए हमने इंडिया के टॉप मोस्ट ट्यूटर्स का जो रेफरेंशियल वीडियो है उसकी भी हमने आपको व्यवस्था की रखी है। आप अपने पढ़ाई के लिए उनकी भी मदद ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वीडियो रेफरेंसेस आपको दिए जाएंगे वे आपके ही क्षेत्रीय भाषा में रहेंगे। मेरा कहने का अर्थ है हिंदी भाषी हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, मराठी, उड़िया, आप किसी भी राज्य से क्यों ना हो, आप हमारे रेफरेंशियल वीडियो की मदद से अपने ज्ञान का अधूरे भंडार को काफ़ी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्द से जल्द हमारे वेबसाइट में जाइए और आप जितना कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहें इनरोलमेंट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों को भी इनरोलमेंट करने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको आपके ID के अंतर्गत स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं और उस स्टडी मटेरियल से आप जो भी पढ़ाई करना चाहे वो पढ़ाई कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आपको हमारे तरफ से रेफरेंशियल वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वो रेफरेंशियल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने अभी अभी MongoDB नामक जो कोर्स होते हैं उसमें आपने एडमिशन लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि आप MongoDB कोर्स करने के लिए अगर कुछ रेफरेंशियल वीडियो की तलाश कर रहे हैं तो वो रेफरेंशियल वीडियो आप कैसे देखेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल पर YouTube खोलना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मोबाइल से भी एजुकेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले YouTube खोलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने भी अपने स्क्रीन पर YouTube खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सर्च बार। यहाँ पर आपको टाइप करना है MongoDB फुल कोर्स, ठीक है ना, MongoDB फुल कोर्स यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको
वो लैंग्वेज देना है जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही पढ़ाई करें, बल्कि आप किसी भी राज्य से हैं, आप अपने क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, किसी भी भाषा में आप पढ़ाई करना चाहें वो लैंग्वेज यहाँ पे डालिए, आप उस भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा कहने का मोटो ये है कि आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई में भाषा की कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए इन हिंदी, ठीक है ना, इन हिंदी। उसके बाद आपको लिखना है प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट। तो मैंने क्या लिखा है, मोंगो डीबी फुल कोर्स इन हिंदी प्लेलिस्ट। उसके बाद आपको इंटरप्रेस करना है। जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे मोंगो डीबी से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस हैं उनके प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगे। इस जगह आपको एक काम करना है, आपको एक ऐसा प्लेलिस्ट छांटना है जिसका व्यूज काफ़ी अच्छा हो, जिनका पढ़ाने का जो शैली है वो काफ़ी बेहतर हो और जिनकी पढ़ाई से आपको फ़ायदा मिल सके। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-4-10 प्लेलिस्ट को थोड़ा थोड़ा प्ले करके आप देख लीजिए कि हाँ ये पढ़ाई मेरे को समझ में आ रही है, आप उसके वीडियोस को फिर जारी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ बल्कि आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आपको कौन सा प्लेलिस्ट काफ़ी बेटर लग रहा है, उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, जितने भी MongoDB से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकालिए और इन वीडियोस को काफ़ी बारीकी से आपको देखना है और कुछ इस तरह से देखना है कि आपका नॉलेज जो है वो जीरो से हीरो हो जाए। पढ़ाई का मेन मंत्र यही होना चाहिए कि आप अपने नॉलेज को विस्तार कर सकें, ताकि आप कोई भी इंटरव्यू वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर आप कम साक्षर न कहलाएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं गुंजन आपसे अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।